our first gaadi for the ride tonight. Hello. You are from here? पाकिस्तान में कहाँ पर? मैं खान हूँ सर, मैं पेशावर का रहने वाला हूँ. ओह नाइस. आप लोग इंडिया से? इंडिया. पहुंच गए हैं एड्रेस टाइम. क्या कर रहे हैं? सनलाइट आ रहा है. वाओ. हम जिस गाड़ी में आए हैं, थैंक्स टू ब्लू टेक हॉलीडेज. ओह माय गॉड, मतलब क्या था वो गाड़ी. हम तो देखते थे, हम अंकित बोलते ये क्या हमारे लिए आया है, चलो बैठ जाते. एंड वो ड्राइवर भी बहुत अच्छे थे, बहुत कॉर्डियल थे. वेरी वेलकमिंग, वेरी वार्म. फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान. सो यस, चलते हैं एड्रेस स्काई व्यू. See the birds clearly above you and have a glass light. Oh my god, look at this. It is. ये है तो भाई बढ़िया. देख के तो मजा ही आ रहा है. अनिकित, मजे आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं? Even I, even I. Yes guys, we have come to the 53rd floor and this is going to be the door for Sky Observatory view right opposite the Burj Khalifa and here. Yeah. So yes guys, hum pahunch gaye hain Sky Views. So yahan se aapko dikh raha hai Burj Khalifa ka view. Dekhiye, maze lijiye hamare sath aap bhi. And yes guys, यहाँ पर नॉट ओनली बुर्ज खलीफा का व्यू है बट द डाउन टाउन दुबई व्यू इज ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट. जस्ट वाओ. पूरा ट्रिप यही पे खड़े रह के बोलते हैं. सो ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल. So Annu, how's it feeling like glass ke upar baith ke kaisa lag raha hai? Super. Main upar baith ke niche gaadi ja rahi hai. Just view dekhiye yahan se seedha niche streets dikh raha hai, which is like 53 floors down. Just wow feeling hai ye to. Sahi feeling hai. And look at Annu. I feel like just walking over here. Basically यही शूट कर रहा है, अपने पाँव को शूट कर रहा है नीचे का ग्लास. I guess you can see my reflection over there as well. Hi. मैं तो इधर उधर हो गया भाई. So scared. वो बोल रहे कि आपने हाथ छोड़ दिया. हाथ क्यों छोड़े थे? मेरा पति ओवर एक्साइटेड इवेंट में आके इतना एक्साइटेड हो गया कि हाथ ही छोड़ दिया. पागल. और मैं ऊपर डर गई. जस्ट लुक एट दिस व्यू, फुल मून नाइट एट द बुर्ज खलीफा. सो वी आर डन. फोटो लिया था देने के लिए, 100 दिराम मांग रहे हैं. सो कैंसिल. सो कैंसिल. सो कैंसिल. चलिए इसको स्कैन करना है. अब क्या है, नहीं है. चलो. अनिकेत का जो फोटो आया ना, इतना कॉमेडी फोटो आया है, पागल का. मजा आ गया, लेकिन बहुत सही एक्सपीरियंस था. ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी था दुबई फर्स्ट, लेकिन फुल पैसा वसूल था. व्हाट अ व्यू, फुल मून नाइट वाला व्यू. वाह. बट हमको थोड़ा सा डे लाइट में करना था, बट देन बहुत रश था बिकॉज इट वॉज संडे. बट बहुत मजा आया, बहुत. सो वी आर आउट ऑफ द एड्रेस स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी. And look at the Burj Khalifa. सो हमने दिन के टाइम पे देखा नहीं, बट अभी जाके रात में पता चल रहा है कि हम इस बिल्डिंग में गए. सो दिस इज द एड्रेस स्काई व्यू, और यहाँ से हमने स्काई ऑब्जर्वेटरी के मजे लिए. अनु सिर्फ गाड़ियों पे ड्रूल कर रही है. मुझे कुछ आइडिया नहीं है, देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि लग रही है.
मेरा घर बिक जाएगा, मैं भी बिक जाएगा। वाओ, जस्ट वाओ। हम सिर्फ गाड़ी देख रहे हैं और स्टोर में वाटर, साथ ही में कुछ ना सादा, तो बहुत फैंसी लगता है सब के कुछ खाना है। आके हम थोड़ा फ्रूट्स खरीदेंगे, ब्लू बेरीज खरीदेंगे, ओह माय गॉड, स्ट्रॉबेरीज। ग्रोसरी शॉपिंग इज समथिंग वी लव, इट्स इन आर ब्लड, मम्मी ने सिखाया है। अनिकेत मेरे पे चिड़ने वाला है, बट आई एम जस्ट चेकिंग आउट क्या क्या है। सो मच, देखो कितने बड़े बड़े अंदर, तो देखो भाई साहब नारियल भी है। सो हमने उस स्टोर से ले लिया था पानी, एंड देन स्टोर में हो गई थी अनु पागल, अनु फुल क्रेजी हो गई थी। अनु इज लाइक कि मुझे भी यहाँ से कुछ ग्रोसरी खरीदना है, एज इफ लाइक इसको लग रहा है कि भाई इधर शिफ्ट हो गई है। खाना बनाना है, बटाटा का अंडा सब दिखा दिया, बड़ा का अंडा, बड़ा। हमने अपना वे पूछ लिया है दैट की कौन से साइड जाना है, पास ही में था, सो वी प्रेफर्ड वॉकिंग। सो एक्चुअली क्या है ना, हमने प्रेफर किया है कि हम खुद ट्रैवल करें, ब्लू टिक हॉलीडेज कार्स भी सब प्रोवाइड करता है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर एनीथिंग, बिकॉज हमको खुद एक्सप्लोर करना है। और मेनली हम हमारे तो हमने गाड़ी नहीं ऑप्ट की हर जगह, कहीं कहीं ऑप्ट किया है, कहीं कहीं हमने अपने से समझने की कोशिश की सिटी को, ताकि मैं और ज्यादा अच्छे से सामने अपने क्लाइंट को समझा सकूं, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स ऑफ दुबई एंड आई एम सो एक्साइटेड। जितना पास में हम आए हैं, अब जाके ऐसा लग रहा है कि नहीं, बुर्ज खलीफा सच में बहुत बड़ा है, बड़ा एज इन लाइक लंबा तो दिख ही रहा है, लेकिन जो चौड़ाई है वो पास से समझ में आ रहा है, इट इज इंडीड ह्यूज। ये फर्स्ट दिन में इसीलिए लोगों ने मुझे बोला था कि सिर्फ दो ही एक्टिविटी रखो छोटा मोटा, तो क्या है रिलैक्स भी कर पाओगे एंड जो ये मेन व्यू है बुर्ज खलीफा का वो भी एंजॉय कर पाओगे अच्छे से। वॉक करते करते थोड़ा सा भी ऐसा रिलैक्स लग रहा है, बिकॉज मॉर्निंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम खास कुछ नहीं, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से प्रेफर करते हैं ना दुबई आने के लिए। यस, अर्ली मॉर्निंग अच्छा रहता है, बट कैसा था कि हम लोग एकदम 7:45 बजे हमने नाश्ता किया था, बाद में 3-4 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो फिर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। ऑर्डर्ड, बट हमको पता नहीं था कि तंदूर रोटी कैसी होती, क्या होता है। यहाँ पर रोटी बहुत बड़ी होती है भाई, रोटी इज बेसिकली मैदे का होता है एंड दैट इज फ्लफी, तो उसमें यीस्ट बहुत ज्यादा होता है, ये हम लोग ने कोलकाता में देखा है, सो सेम है यहाँ पे, बट वो खाया नहीं जाता, बिकॉज वी आर सो टायर्ड, हमने वो भी कुछ खाया नहीं ठीक से, वी प्रेफर्ड स्लीपिंग। एंड उसी बीच में इंडिगो वाले का भी मैसेज चालू ही था हमें, फिर उसको भी लेटर वेटर लिखना चालू था, बट देन या जितना भी प्रॉब्लम हुआ अभी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत फ्रेश फील कर रहा है, इवन दो इट्स हॉट इट्स ह्यूमिड, बट देन ठीक है, इट्स नाइस, पसीने नहीं आ रहे ना। यहाँ पर फाउंटेन शो चालू हो गया, जस्ट वाओ, इट्स ऑल विद म्यूजिक एंड एवरीथिंग, नाइस। क्या बनाया है भाई, लवली। सो गाइस, हम फ्लोटिंग एज वॉक पे खड़े हैं एंड यहाँ से जो व्यू मिलेगा ना फाउंटेन का, अमेजिंग, क्योंकि हमने बाहर से देखा। सो दिस कॉस्ट यू फॉर 20 dirhams पर पर्सन, वर्थ इट है, यहाँ से व्यू एकदम अमेजिंग है, जो लगता है ना यहाँ से सही, ओह माय गॉड, कुछ तो है भाई, कुछ तो है। सो दिस इज स्टार्टिंग, ओह
हमारा फाउंटेन शो हुआ खत्म। अन्नू फुल बिक गई, फुल वर्थ इट था। वो एक्चुअली थोड़ा सा प्लेटफॉर्म आगे रहता है फ्रॉम द नॉर्मल व्यूइंग। नॉर्मल व्यूइंग ऐसा है तो फाउंटेन का वो जो लेक व्यू है वो थोड़ा सा आगे जाके है, एंड हम उधर जैसे ही गए तो बहुत जोर पानी आया ये साइड, और मेरा बैग, अन्नू का जूता, अन्नू का बैग, अन्नू फुल यस पूरे गीले हो गए। तो अन्नू को बहाना मिल गया, अन्नू बोल रही है कि मॉल चल रहे तो मुझे कपड़े लेके दो और मुझे जूते लेके दो, बस कपड़े नहीं बट जूते लेके दो। तो चलिए जूते से मारते इसको पकड़ के। सो हम थोड़ा फ्रेश हो गए, वॉशरूम वगैरह जाके फ्रेश हो गए, बट बहुत गिली हो गई हूँ मैं। सो यस सर्चिंग फॉर सम गुड क्लोथ्स, बट इट्स रियली एक्साइटिंग कि हम दुबई मॉल के अंदर घूम रहे हैं। कांट बिलीव कल हम घर में थे और आज यहाँ पर दुबई मॉल में। सो लास्ट डे तक कोई एक्साइटमेंट रहना चाहिए। क्या मॉल है यार, क्या मॉल है भाई साहब, ऐसे लग रहा हम कहाँ से आ गए और कहाँ पे आ गए। अमीरों का जन्नत है ये, हम सिर्फ विंडो शॉपिंग करेंगे। शूज नजर आए, बहुत दिन से भी होता है। समझ में नहीं आ रहा क्या खाने का, फिलहाल के लिए प्रोटीन बार। प्रोटीन बार खा रहे हम दोनों। सो मेरे बाल हो गए हैं खराब, बिकॉज़ इट्स ऑल वेट, सब घर। तो ये आ रही है रेड KFC। मैंने थोड़ा स्ट्रेटनिंग किया था, मुझे बहुत बोर होता है कोई कुछ भी करने के लिए, एंड मुझे बहुत काम भी था, दुर्गा पूजा सब साफ सफाई है वो चालू ही था कुछ ना कुछ, एंड हम लोग का एकदम क्विक प्लान बना के हम जाते हैं, बहुत कुछ इधर था। तो मैंने जैसे स्ट्रेट किया था आते वक्त, एंड वो आज पूरा गिल्ला हो गया, पूरा सब ऑल डन। एंड मेन हो गया कि हमारा बैगेज अटक गया, जिसमें हमारा छोटा छोटा बहुत सारा खाना था। मैंने थेपला लिया था, फिर नटेला ले लिया था, राइस केक्स ले लिए थे, तो स्नैक्स के लिए हो जाता है, बट देन वो बैगेज ही नहीं आया, स्ट्रेटनर भी नहीं आया। ब्रेड मैंने कुछ गया KFC से लेकर, फटाफट खा के जाते हैं, बिकॉज टुमारो इज गोइंग टू बी अ बिग डे। बहुत कुछ प्लान किया था हमने। 23 एंड हमारा डिनर आ गया है KFC से। अनिकित जगह बचा रहा है उधर, नहीं हमारे पास ही सब रख दिया है। भूख कितनी लगी है? भूख बहुत लगी है, भूख से ज्यादा मेरे को भी नींद आने लगा है। और मुझे भी अचानक से रियलाइज हुआ है कि एक्चुअली इंडिया में भी बज रहे हैं 12, इसलिए नींद आना चालू हो चुका है।